हेलो एवरीवन टुडे इट इज डे 54 क्लास ऑफ एसएसटी ऑफ ग्रेड थ्री एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 11 ऑन पेज नंबर 65 वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. टुडे वी विल रीड फैट्स एंड विटामिंस एंड मिनरल्स फैट्स फैट्स आर फाउंड इन एनिमल मीट फिश एंड वेजिटेबल्स ऑयल फैट्स जो होते हैं वो मास में फिश में और वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं फैट्स हैव गॉट दे ए बैड नेम इन रिसेंट टाइम्स येट दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी फैट्स को इन दिनों में खराब नाम के रूप में जाना जाता है जबकि ये हमारे फूड में होना बहुत जरूरी है बॉडी रिक्वायर्स एन इनटेक ऑफ फैट एवरी डे फॉर हेल्दी एंड वेल बींग लाइक इन द केस ऑफ अदर ग्रुप फूड वेन द बॉडीट दैट इट्स इलनेसो अदर फूड आइटम्स की तरह अगर हमें हमारी बॉडी को फैट भी नहीं मिलता है तो इनसे भी हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है नॉ विटामिन मिनरल्स विटामिन मिनरल्स आर सबस्टेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन दैट डाइट फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग अच्छे रहने के लिए और अच्छी सेहत के लिए हमारे भोजन विटामिन का होना बहुत जरूरी है ऑनली स्मॉल और बहुत कम मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अवर डाइट में होने जरूरी है दे आर कैरे क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग बॉन्स एंड टीथ रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज जो कि बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए और ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए काम आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स औकर इन वराइटी ऑफ फूड ये अलग अलग तरह के फूड में पाए जाते हैं बाई ईटिंग ए वराइटी ऑफ फूड वी कैन गेट द नेसेसरी विटामिन एंड मिनरल्स वी नीड फॉर हेल्थ हम अलग अलग तरह के फूड खाकर हम हमको विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए आवश्यक होते हैं सोर्सेस ऑफ फूड ऑलमोस्ट ऑल फूड्स आर ऑफ प्लांट और एनिमल ऑरिजिनल अधिकतर हर फूड जो होता है वो हमें पौधों से या एनिमल से मिलता है सेलरल और ग्रेन इज ए स्टेपल फूड दैट प्रोवाइड्स मोर फूड एनर्जी वर्ल्ड वाइड देन एनी अदर टाइप ऑफ क्रॉप रल्स और ग्रेन्स से हमें इतनी एनर्जी मिलती है पूरे विश्व पूरे दुनिया में सबसे अधिक एनर्जी इन्हीं फूड से मिलती है और अधिक और किसी फसल से नहीं मिलती है द मैन सेरल्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री आर जो हमारे देश में अनाज पैदा किए जाते हैं उनमें है राइस व्हीट मेज ज्वार एंड बाजरा इन द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल लाइक टू ईट वीट एंड राइट और नॉर्थन स्टेट में लोग वीट एंड गेहूं और राइस खाना पसंद करते हैं इन राजस्थान द मेन फूड ग्रेन्स आर वीट ज्वार एंड बाजरा और राजस्थान में काम में लिए जाने वाले मुख्य अनाज है गेहूं ज्वार और बाजरा राइस इज वेरी पॉपुलर इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया और राइस जो है वो ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल एरियाज ईट राइस विथ फिश एंड करी वेस्ट बंगाल में और कोस्टल इलाकों में रहने वाले लोग राइस को फिश और करी से खाते हैं पल्सिस आर इटन इन ऑलमोस्ट एवरेज स्टेट ऑफ इंडिया और दाले इंडिया के अधिकतर स्टेट्स में खाई जाती है दे ईट इट विथ राइस और ब्रेड और इसको चावल से ब्रेड से यानि चपाती से खाया जाता है द मैन टाइप ऑफ पल्सिस ग्रोन इन अवर कंट्री आर और जो इन इंडिया में हमारे कंट्री में जो पल्सिस यानी दालें होती है वो है उड़द अरहद अरहर मूंग ग्राम, बीन्स, मसूर एटसेट्रा एन इंडियन मील इज डिलीशियस अलोंग विथ पल्सिस एंड फूड ग्रेन्स और जो भारतीय खाना होता है वो बहुत डिलीशियस यानी स्वादिष्ट होता है जिनमें पल्स और फूड ग्रेन्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील इन इंडिया और इंडिया में भोजन में फल और सब्जियां भी अहम रोल रखते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लाइक ऑनियन पोटेटोज एंड बनानाज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे वर्ष भर इंडिया में ऑनियन पटेटो बनाना काम में लिए जाते हैं या रहते हैं बट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रोन थ्रू आउट द ईयर और लेकिन और सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरे वर्ष भर नहीं उगते हैं मैंगोज कम टू द मार्केट ड्यूरिंग समर एंड एप्पल्स इन विंटर मैंगोज ओनली समर्स में आते हैं और एप्पल्स विंटर्स में आती है ना रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू